नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। फैशन के इस दौर में हर कोई फैशनेबल दिखना चाहता है, खासकर युवा पीढ़ी तो स्टाइलिश दिखने के लिए हर तरह के फैशन करते हैं। कपड़ों से लेकर जूते, चश्मा, बैंड, टैटू, हैंड वॉच, चेन, ऐसे कितने एसेसरीज हैं जो युवा पीढ़ी स्टाइलिश दिखने के लिए पहनते हैं। इसके अलावा हेयर स्टाइल भी युवाओं का पसंदीदा फैशन होता है। आप मार्केट में जाते हुए अगर ध्यान देंगे तो आपको कई ऐसे युवा मिल जाएंगे जिनके हेयर स्टाइल अलग अलग दिखेंगे। इस तरह के हेयर स्टाइल के लिए युवा बड़े बड़े सलूनों में जाते हैं, स्पेशलिस्ट कारीगर से अपने बाल कटवाते हैं और अपने बालों पर पैसे खूब खर्च करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हेयर कटिंग के बारे में बताएंगे जो सिर्फ इसलिए खबर बन गई क्योंकि शायद ये हेयर कटिंग अब तक की सबसे महंगी हेयर कटिंग है, जिसके लिए एक युवक को बैंक से लोन तक लेना पड़ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, और ये पूरा मामला है चीन का। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के जेंगजियांग प्रांत के होंगजू शहर का एक युवक जिसका नाम ली है, उसे अपने बाल कटवाने के लिए कुल 1,15,000 रुपए देने पड़े हैं। चलिए अब आपको पूरा विस्तार से समझा देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ली एक रेस्टोरेंट में वर्कर के तौर पर काम करता था। यहाँ उसे एक दोस्त ने 20 युआन यानी कि 230 रुपए का गिफ्ट कूपन दिया था। इस कूपन के माध्यम से ली बिजिक सिंह सलून में बेसिक हेयर कट करवा सकता था, लेकिन जब वो सलून पहुंचा तो उसे बताया गया कि हेयर कट से पहले उसे हेड मसाज के अलावा और भी सर्विसेज दी जाएंगे। इसके बाद ली को फेस पैक लगाया गया जिसका रेट 500 रुपए बताया गया। फिर सलून ने उसे 5,000 युआन यानी कि 58,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए कहा ताकि उसे और छूट मिले। इस दौरान ली की आंखों से चश्मा हटा दिया गया था जिसके चलते वो रेट लिस्ट नहीं पढ़ पाया। हेयर कट के लिए ली के सिर पर सलून वालों ने कई तरह के प्रोडक्ट लगाए, मसाज, फेशियल जैसे चीजें करने के बाद जब बिल दिखाया तो ली के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि बिल लाखों में पहुंच गया था, जबकि उसके पास जो गिफ्ट कूपन था वो महज 230 रुपए का था। वहीं जब ली सलून वालों को बताया कि उसके पास पैसे नहीं है तो सलून वालों ने उस पर दबाव बनाकर क्रेडिट ऐप से 57,000 रुपए का लोन ले लिया और अपने बिल के पैसे चुकता किए। इस दौरान ली बहुत दहशत में था क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बाद में उसने पैसे वापस लेने के लिए जब मीडिया से गुहार लगाई तो पूरा मामला निकलकर सामने आया। ली का कहना है कि जब वो सलून में गया तो उसे पहले चेयर दी गई, हेयर कट के नाम पर मसाज, फेशियल और तरह तरह के प्रोडक्ट लगाए गए। वहीं चश्मा हटा देने से ली रेट लिस्ट नहीं देख पाया। बार बार रेट लिस्ट मांगने पर भी ली को नहीं दिखाया गया और पैसे ऐंठने की मंशा से ली को एक्स्ट्रा सर्विसेज दी गई। हालांकि घटना के बाद से बेजिक सिंह हेयर सलून का संचालन बंद हो गया है। स्थानीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ली को बाल कटवाना कितना महंगा पड़ा और क्यों। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।